तो अगली और बड़ी खबर बैतूल से सामने आ रही है। जिले में लगातार हो रही 5 घंटों से बारिश और बोखड़ी की नदी में आया तूफान, उसके बाद उफान आ गया है, उसके बाद हिवरखेड़ा के गांव में लगभग 25 घरों में पानी घुस गया है और नदी किनारे सभी मकानों में पानी जो है बाढ़ का वो घुस चुका है। सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बैतूल से सामने आ रही है। खुद ही रेस्क्यू में लगे ग्रामीण, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बैतूल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सूचना मिलने के बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है और ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं पानी का जो तेज बहाव है वो किस तरीके से बह रहा है। नदी किनारे सभी घर जो है उन घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है, ग्रामीण खुद ही रेस्क्यू कर रहे हैं। बैतूल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिले में 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद नदी जो है उसमें उफान आ गया। हिवरखेड़ गांव के पास में लगभग 25 घरों में जो है पानी घुस गया है, उसके बाद नदी किनारे सभी मकान में जो है बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बैतूल से बता रहे हैं। खुद ही ग्रामीण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा।